कांग्रेस ने देश भर में 12 जुलाई को एक दिवसीय मौन उपवास का कार्यक्रम किया है। इसी कड़ी में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो राजधानी देहरादून में साइलेंट सत्याग्रह के नाम से यहां पर गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचे हैं और पूरी तरह से ये जो उपवास है ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितने हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। सह प्रभारी दीपिका पांडे हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और साइलेंट जो सत्याग्रह है वो शाम 5 बजे तक चलने वाला है। उससे पहले सह प्रभारी जी से बात कर लेते हैं। प्रभारी जी, आज पूरे देश भर में ये हो रहा है सत्याग्रह, सीधे तौर पर क्या कुछ है इसका कारण? आज हम यहाँ गांधी पार्क में जो हमारा कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होने वाला है उसकी तैयारी में यहाँ पहुँच गए हैं। और लोकतंत्र की हत्या जिस प्रकार से ये अडानी की दलाल सरकार जो है वो कर रही है उस पर लगाम लगाने के लिए सत्याग्रह कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी के दिशा निर्देश पर यह कार्यक्रम हम लोग पूरे देश में एक साथ कर रहे हैं और अभी 10 बजे से यहाँ भी इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रदेश अध्यक्ष करम महारा लगातार मोर्चा खोले हुए हैं देशव्यापी और जिस तौर पर प्रदेश की जो गलत नीतियाँ उनको लेकर, अध्यक्ष जी क्या लगता है मौन सत्याग्रह से कितना असरकारक होंगी चीज़ और कितना आप अपनी बात उठा पाए? देखिए, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, पब्लिक पढ़ी लिखी है, होशियार और समझदार लोग इन बातों को समझते हैं। इन 9 सालों में 10 चुनी हुई सरकारें गिराई, उसके बाद राहुल गांधी जी को किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश लगातार हजारों करोड़ रुपया लगे बीजेपी करती रही और हद तब हो गई जब राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, बीजेपी डरी और उसके बाद उनके सदन में आक्रामक तेवर को देखते हुए जब उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में पहले किसने लगाया था और उन्होंने अडानी और इनके संबंधों का जिक्र जब किया प्रधानमंत्री के, उसके बाद एक मरे हुए केस को जो ख़त्म हो चुका था उसको दोबारा पुनर्जीवित किया। दूसरे स्टेट का मामला गुजरात में केस किया गया और सर्वाधिक सज़ा जो किसी केस में दी जा सकती थी उस केस में वो दी गई, उनकी सदस्यता ख़त्म करी गई। ये कोशिश थी विपक्ष की आवाज़ को दबाने की। जितने बड़े नेता इस पूरे देश में हैं, अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी के खिलाफ मुकर हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्रकार की नौकरियां छीनी जा रही जो सच्चे पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोगों को तंग किया जा रहा है, लेखकों को परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए आज ये धरना बहुत आवश्यक हो गया था और हम जनता तक ये पहुंचाने जा रहे हैं कि आज ऐसी गवर्नमेंट यहां है जिन्होंने गांधी के कार्यक्रमों का विरोध किया, जिन्होंने सत्याग्रह का विरोध किया और आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने पर वो लोग तुले हुए हैं। तो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। अगर सदन की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आर्य जी, सदन में किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, हालांकि लगातार आप मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है और विपक्ष की आवाज़, खासतौर से कांग्रेस की आवाज़ को केंद्र सरकार भाजपा दबाना चाहती है और डर और भय का माहौल तैयार कर रही है, लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत की, देश में एक संदेश गया और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो कृत्य है, जो कारनामे हैं वो जनता तक जा रहे हैं। और बीजेपी अगर कोई मुखर है तो उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है और निश्चित रूप से कांग्रेस एक मजबूत आवाज़ के रूप में राहुल गांधी जी को देखती है जिन्होंने हर मुद्दे को मजबूती से उठाया है, निडर होकर उठाया है। आज पूरी कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ है और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी देश की बागडोर संभालें। उसके लिए आज विभिन्न विषय हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बेकारी है, जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, अकलियतों के साथ जो जातियां हो रही हैं, जो हमारे दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके खिलाफ जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी कृत्य कर रही है उससे मुखर होकर कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ को बल दिया है और आज हम इसीलिए यहाँ पर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का मौन उपवास कर रहे हैं और हम जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी विनाशकारी नीतियों से निजात पाने के लिए सबको एकजुट होना होगा, ये संदेश देना चाहते हैं।
तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। और साफ देख सकते हैं जिस तरह से काली पट्टी बांधकर यहाँ पर मौन उपवास की शुरुआत हो चुकी है और सीधे तौर पर तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि देश भर में जो कांग्रेस का एक मौन उपवास है वो किस हद तक जाने वाला है, क्योंकि सीधे तौर पर तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र की सरकार है दमनकारी नीतियां अपना रही है और सीधे तौर पर जो भी अगर उनकी गलत नीतियों का विरोध करता है तो उसके खिलाफ तमाम मुकदमे यहां पर दर्ज किए जा रहे हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, देहरादून।